हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्लानेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी ने एग्ज़ाम डेट फिर से घोषित किया है, तो यह वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह जो नोटिस है सभी जिला के जिलाधिकारी साथ ही स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल सेंटर हेड को दिया गया। यह जो नोटिस है 19/9/2018 19 सितंबर 2018 का नोटिस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 06/06/114 प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है। दोस्तों, बिहार एसएससी ने इससे पहले जो एग्ज़ाम डेट फिक्स किया था सितंबर में नहीं हो सका। बिहार एसएससी के चेयरमैन का कहना था कि इससे पहले 2017 में जो पेपर लीक हुआ था उसका डाटा आप जो फॉर्म भरे थे उन सभी का डाटा जो है एसआईटी जब्त कर लिया और उन्होंने नहीं दिया, तो इस कारण से एडमिट कार्ड नहीं तैयार कर पाया, तो नहीं हो पाया। और उसका कहना था कि हम कोर्ट में अप्लीकेशन देते हैं डाटा के लिए, फिर डाटा मिलेगा तो एग्ज़ाम आयोजित कराएंगे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद पेपर में न्यूज आया कि एग्ज़ाम जो ली जाएगी 1 दिसंबर 2018 को, 2 दिसंबर 2018 को एवं 3 दिसंबर 2018 को। बिहार एसएससी ने अपनी ओर से डेट फिक्स किया। दोस्तों, इस बीच में जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है कांस्टेबल का 25 नवंबर 2016 को एवं 2 दिसंबर 2016 को, तो इस कारण से जो है समय इस डेट को भी बिहार एसएससी को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि 2 दिसंबर 2018 को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। तो अब जो न्यू डेट घोषित किया गया, तो आपके सामने यह डेट है 8 दिसंबर 2018, 9 दिसंबर 2018, 10 दिसंबर 2018 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। और यह जो नोटिस है सभी जिला के जिलाधिकारियों को दिया गया। इस नोटिस को आप डिटेल से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसमें सभी सेंटर हेड बताया गया है कि बैंक खाता संख्या, एफएससी कोड, और आप अपना सहमति दीजिए इस डेट को लेकर। अगर ये डेट का सहमति सभी सेंटर हेड दे देता है तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस डेट में एग्ज़ाम हो पाएगा 9 दिसंबर 2018 को, 10 दिसंबर 2018 को, 8 दिसंबर 2018 को, या फिर ये भी डेट बढ़ेगा? तो बताना चाहूँगा दोस्तों, 9 दिसंबर 2018 को जो है सेंट्रल टीईटी का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, और यह बिहार के दो शहरों में पटना एवं मुजफ्फरपुर में आयोजित की जाती है। और इसमें दो पेपर होते हैं, 1 से 5, 6 से 8, तो दोनों शिफ्ट में 9 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, ये फिक्स है बहुत पहले से। तो इस कारण से जो है बिहार एसएससी को ये डेट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है पटना में 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पर एक पाली में एग्ज़ाम दे पाते हैं। अगर बिहार एसएससी मैनेज कर पाता है पटना या मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे शहरों में सेंटर को, तो फिर इस डेट को होगा, नहीं तो यह डेट भी बढ़ाना पड़ेगा बिहार एसएससी को। या फिर इस तरह से हो सकता है 8 दिसंबर 2018 को ली जाएगी, इसके बाद 9 को नहीं ली जाएगी सीटेट एग्ज़ाम के कारण से, 10 दिसंबर 2018 को ली जाएगी और एक रोज़ बढ़ाया जाएगा, यानी 11 दिसंबर 2018 को आयोजित की जाएगी। अगर इस डेट को नहीं लेता है तो फिर 16 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 16 दिसंबर 2018 को जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम है, 64वीं पीटी का एग्ज़ाम है। दोस्तों, आप लोग उम्मीद करिए कि यह डेट बढ़ जाए 16 दिसंबर के बाद हो, क्योंकि रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है यह 14 दिसंबर 2018 तक होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम इस बीच में हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, तो इस कारण से अगर 16 दिसंबर के बाद होता है जस्ट बाट 17-18 या इस तरह से, तो फिर आपका ये एग्ज़ाम ग्रुप डी का नहीं छूटेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम डेट बढ़ाएगा या फिर इसी डेट में लेगा? तो कमेंट अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को सभी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।